प्यारे बच्चों, मैं विवेक कुमार मिश्र। आज मैं आपको क्लास टेंथ का प्रोज का पहला टॉपिक द एंचेंटेड पूल, जादुई तालाब पढ़ने जा रहा हूं। द एंचेंटेड पूल इज रिटन बाय सी राज गोपालाचार्य, दैट मीन्स चक्रवर्ती राज गोपालाचार्य। सी राज गोपालाचार्य वाज ग्रेट राइटर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। ही रोट मेनी टॉपिक। He was great politicians. He was awarded Bharat Ratna. आज मैं आपको जादुई तालाब पढ़ाने जा रहा हूं। फर्स्ट पैसेज आप देखें और समझें। This lesson has been taken from the exile of Mahabharat. यह पाठ महाभारत के वनवास से लिया गया है। युधिष्ठिर के चारों भाई पानी की तलाश में गए हैं। यक्ष लॉर्ड ऑफ डेथ, मृत्यु का देवता यम, यक्ष का रूप धारण किया है। अपने जादू से एक तालाब बनाया है और युधिष्ठिर के चारों भाई वहां पानी की तलाश में गए हैं और अपने घमंड के कारण वहीं मर गए हैं। युधिष्ठिर उनका प्यास और चिंता के साथ इंतजार कर रहे हैं। यहां से राइटर श्री राजगोपालाचार्य जी लिखते हैं इन द फर्स्ट स्टैंड इन फर्स्ट पैसेज। युधिष्ठिर वेटेड फॉर हिज ब्रदर्स इन एंग्जायटी एंड ट्रस्ट। युधिष्ठिर ने अपने भाइयों का प्यास और चिंता के साथ इंतजार किया। फिर युधिष्ठिर सोच रहे हैं, कैन दे हैव बीन सब्जेक्टेड टू अ कर्स, क्या वह एक श्राप से ग्रसित हो सकते हैं। आर्या आर दे स्टिल वेंडरिंग अबाउट इन द फॉरेस्ट इन सर्च ऑफ वाटर, क्या वे अभी भी पानी की तलाश में इधर उधर भटक रहे हैं। कैन दे हैव फेंटेड और डाइड ऑफ थर्स्ट, क्या वह मूर्छित हो सकते हैं या प्यास के कारण मर सकते हैं। अनेबल टू बियर दीज थॉट्स, इन विचारों को न सह सकने के कारण। एंड ड्राइवन बाय एन ओवर पावरिंग थर्स्ट, और बहुत तीव्र प्यास के कारण ही गेव अप वेटिंग, उन्होंने यानी दृष्टि ने इंतजार करना छोड़ दिया। एंड स्टार्टेड आउट टू लुक फॉर हिज ब्रदर्स, और अपने भाइयों की तलाश में। एंड द पूल होपिंग दैट ही माइट फाइंड देम, अपने भाइयों और तालाब की तलाश में रवाना हो गए कि वह अपने भाइयों और तालाब को पा जाए। इन द सेकेंड पैराग्राफ, दूसरे पैराग्राफ में लेखक लिखता है, युधिष्ठिर प्रोसीडेड इन द डायरेक्शन हिज ब्रदर्स हैड टेकन। युधिष्ठिर भी उसी दिशा में चले जिस दिशा में उसके उनके भाई गए थे। एंड केप्ट ऑन वॉकिंग थ्रू ट्रैक्स ऑफ फूल फूल ऑफ वाइल्ड बियर एंड स्पॉटेड डियर एंड बिग फॉरेस्ट बर्ड टिल केम अपॉन अ ब्यूटिफुल ग्रीन मीडो अराउंड अ पूल ऑफ क्लियर वाटर। युधिष्ठिर भी उसी दिशा में गए जिस दिशा में उनके भाई गए थे और उस जंगली मार्ग जिस जंगली मार्ग में जंगली हिरण, चितकबरे, हिरण, भालू, बड़े बड़े जंगली पक्षी थे, उस मार्ग पर वह तब तक चलते रहे जब तक कि वह एक सुंदर हरे चारागाह में नहीं आ गए जिसके जिसमें एक तालाब था और तालाब के चारों तरफ हरी हरी घासें थी। बट लेकिन वेन ही सा हिज ब्रदर्स लाइंग देयर लाइक ब्लैक होल्स, लेकिन जब उन्होंने अपने भाइयों को झंडों के डंडों की तरह मरे पड़े हुए देखा, अनेबल टू रेस्टेन हिज ग्रीफ, तो वह अपने दुख को रोक नहीं पाए। ही लिफ्टेड हिज वॉइस, उन्होंने अपनी आवाज उठाई। एंड वेप्ट, और रोए। ही टच्ड द फेसेस ऑफ भीमा एंड अर्जुन, उन्होंने अर्जुन और भीम के चेहरे को छुआ। ऐ दे ले सो स्टील एंड साइलेंट, जो उस समय बहुत खामोश और शांत थे। एंड मौन, युधिष्ठिर ने विलाप किया। युधिष्ठिर विलाप कर रहे हैं। वाज टू बी द एंड ऑफ ऑल आवर वेद,
क्या हमारी सारी प्रतिज्ञाओं का यही अंत हो गया? जस्ट वेन आवर एग्जाइल इज अबाउट टू एंड, ठीक उस समय जब हमारा वनवास समाप्त होने वाला है, यू हैव बीन टेकन अवे, तुम हमसे छीन लिए गए, इवन द गॉड्स हैव फॉरसेकन मी इन माई मिसफॉर्चून, इस विपत्ति में देवताओं ने भी मेरा साथ छोड़ दिया है। इन द थर्ड पैराग्राफ, तीसरे पैराग्राफ में लेखक लिखता है, एज ही लुक्ड एट देयर माइटी लिम्स, जैसे ही उन्होंने उनके शक्तिशाली अंगों को छुआ, देखा, नाउ सो हेल्पलेस, जो अब इतने असहाय थे, ही सैडली वंडर्ड हु कुड हैव बीन पावरफुल एनफ टू किल देम, उन्होंने बड़े ही दुख में आश्चर्य किया कि कौन ऐसा पर्याप्त ताकतवर हो सकता है जिन्होंने इनको मार दिया, जिन्होंने अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव को मार दिया। देन तब ही टू डिसेंडेड इनटू द पूल, तब वह भी तालाब पर उतरे, ड्रॉन टू द वाटर बाय एन ओवरपावरिंग थर्स्ट, और बहुत ही तेज प्यास के कारण उन्होंने पानी को छुआ, खींचा। एट वंस द वॉइस विदाउट फॉर्म वन, तुरंत अदृश्य आवाज ने उन्हें चेतावनी दी, उन्हें रोका। इन द नेक्स्ट पैसेज द राइटर डिस्क्राइब्स योर ब्रदर्स डाइड, यक्ष ने उन्हें रोका और कहा, योर ब्रदर्स डाइड, तुम्हारे भाई मर गए, बिकॉज क्योंकि दे डिड नॉट हीड माई वर्ड्स, क्योंकि उन्होंने मेरे शब्दों पर ध्यान नहीं दिया। दे ट्राइड टू ड्रिंक वाटर विदाउट आंसरिंग माई क्वेश्चन, उन्होंने बिना मेरे प्रश्नों का जवाब दिए ही पानी पीने की कोशिश की। डोंट फॉलो देम, उनका नकल मत करो, आंसर माई क्वेश्चन फर्स्ट, पहले मेरे प्रश्नों का जवाब दो, एंड देन यू कैन क्वेंच योर थर्स्ट, और तब जाकर तुम अपनी प्यास बुझा सकते हो। दिस पूल बिलोंग्स टू मी, यह तालाब मेरा है, यह तरैया मेरी है, और बिना मेरे मर्जी के इस तालाब में कोई पानी नहीं पी सकता। इन द नेक्स्ट स्टेंजा, नेक्स्ट पैसेज, अगले पैराग्राफ में लेखक लिखता है, इट डिड नॉट टेक युधिष्ठिर अ मोमेंट टू अंडरस्टैंड, यह समझने में युधिष्ठिर को पल भर का भी समय नहीं लगा, दैट दिस कुड बी नन अदर्स देन द वर्ड्स ऑफ यक्ष, कि यह शब्द यक्ष के अलावा किसी और के नहीं हो सकते, एंड गेस्ट व्हाट हैड हैपेंड टू हिज ब्रदर्स, और उन्होंने युधिष्ठिर ने अनुमान भी लगा लिया कि उनके भाइयों के साथ क्या हुआ। It took him no time to see a possible way of bringing them back to life. उन्हें संभवतः जीवन देने का रास्ता देखने में भी समय नहीं लगा। He said to the bodiless voice, उन्होंने अदृश्य आवाज से कहा, युधिष्ठिर ने यक्ष से कहा, अदृश्य आकार रहित आवाज से कहा, Please ask your question, कृपया प्रश्न पूछिए। माय डियर स्टूडेंट, यक्ष लॉर्ड ऑफ डेथ, मृत्यु का देवता यमराज, यक्ष का रूप धारण किया है। यक्ष युधिष्ठिर से प्रश्न पूछ रहा है। द वॉइस पुट क्वेश्चंस रैपिडली वन आफ्टर अनदर, आवाज ने, अदृश्य आवाज ने, यानी यक्ष ने एक के बाद दूसरा प्रश्न जल्दी जल्दी पूछना शुरू किया। यक्ष ने युधिष्ठिर से पहला प्रश्न पूछा है, What rescues man in danger? यक्ष ने युधिष्ठिर से पूछा, युधिष्ठिर बताओ, मनुष्य को खतरे में क्या बचाता है? युधिष्ठिर ने जवाब दिया, कैरेज, साहस। यक्ष ने युधिष्ठिर से दूसरा प्रश्न पूछा, By the study of which science does man become wise? युधिष्ठिर बताओ,
कि किस विज्ञान के अध्ययन से मनुष्य बुद्धिमान हो जाता है। युधिष्ठिर ने जवाब दिया, नॉट बाई स्टडिंग एनी शास्त्र डज मैन बिकम वाइज। किसी शास्त्र विज्ञान और विद्या के पढ़ने से मनुष्य बुद्धिमान नहीं होता। इट इज बाई एसोसिएशन विद द ग्रेट इन विजडम दैट ही गेट्स विजडम। ये तो संगत के प्रभाव से, बुद्धिमान की संगत में रहने से व्यक्ति ऑटोमेटिकली बुद्धिमान हो जाता है। यक्ष ने युधिष्ठिर से तीसरा प्रश्न पूछा। द यक्ष आस्क्ड, यक्ष ने पूछा, व्हाट इज स्विफ्टर देन द विंड, हवा से भी अधिक तेज क्या है। युधिष्ठिर ने जवाब दिया, माइंड, मन, मन हवा से भी अधिक तेज है। यक्ष ने युधिष्ठिर से चौथा प्रश्न पूछा, व्हाट इज मोर फेडेड देन अ ड्राइड स्टार, एक सूखे हुए तिनके से भी मुरझाया हुआ क्या होता है। युधिष्ठिर ने जवाब दिया, अ सारो स्ट्राइकन हार्ट, एक दुखी हृदय, एक दुख से व्याकुल हृदय सूखे हुए तिनके से भी मुरझाया हुआ होता है। यक्ष ने युधिष्ठिर से अगला प्रश्न पूछा, व्हाट बी फ्रेंड और ट्रेवलर्स, एक यात्री की सहायता क्या करता है, एक यात्री का साथी कौन होता है। युधिष्ठिर ने जवाब दिया, लर्निंग, ज्ञान, ज्ञान एक यात्री का साथी होता है। यक्ष आस्क्ड फर्दर, यक्ष ने युधिष्ठिर से आगे अगला प्रश्न पूछा है, हु इज द फ्रेंड ऑफ वन हु स्टेज एट होम, उसका साथी कौन होता है जो घर बैठा होता है, घर पर रहने वाले का साथी कौन होता है। युधिष्ठिर ने जवाब दिया, द वाइफ, पत्नी, घर पर ठहरने वाले की साथी पत्नी होती है। यक्ष ने युधिष्ठिर से अगला प्रश्न पूछा, हु एकंपनीज अ मैन इन डेथ, मृत्यु के बाद आदमी के साथ क्या जाता है, मृत्यु के बाद आत्मा के साथ कौन जाता है, क्या जाता है। युधिष्ठिर ने जवाब दिया, धन, डेट एलोन एकंपनीज द सॉल इन इट्स सॉलिटरी जर्नी आफ्टर डेथ, धर्म ही मृत्यु के बाद आत्मा की अकेली यात्रा में मनुष्य का धर्म ही उसके साथ जाता है, उसका पाप पुण्य ही उसके साथ जाता है और कुछ मृत्यु के बाद आत्मा के साथ नहीं जाता। यक्ष ने युधिष्ठिर से अगला प्रश्न पूछा कि युधिष्ठिर बताओ, विच इज द बिगेस्ट वेसल, सबसे बड़ा पात्र क्या है, सबसे बड़ा बर्तन क्या है। युधिष्ठिर रिप्लाइड, युधिष्ठिर ने जवाब दिया, द अर्थ, पृथ्वी, विच कॉन्टेन्स ऑल विद इन इट सेल्फ इज द ग्रेटेस्ट वेसल, यह पृथ्वी जो हर चीज को अपने ऊपर रखी है यही संसार का सबसे बड़ा पात्र है, यही सबसे बड़ा बर्तन है। व्हाट इज हैप्पीनेस, यक्ष ने युधिष्ठिर से अगला प्रश्न पूछा, युधिष्ठिर बताओ, व्हाट इज हैप्पीनेस, आनंद क्या है। युधिष्ठिर ने जवाब दिया, हैप्पीनेस इज द रिजल्ट ऑफ गुड कंडक्ट, अच्छे आचरण का परिणाम आनंद है। यक्ष ने युधिष्ठिर से पूछा कि आनंद क्या है, युधिष्ठिर ने जवाब दिया, अच्छे आचरण का परिणाम आनंद है। यक्ष ने युधिष्ठिर से अगला प्रश्न पूछा है, व्हाट इज दैट, वह क्या है, बाय गिविंग अप विच मैन बिकम्स लव्ड बाय ऑल, वह क्या है जिसे छोड़ देने से मनुष्य सबका प्यारा हो जाता है। युधिष्ठिर ने जवाब दिया, प्राइड, घमंड, यदि व्यक्ति घमंड छोड़ दे तो वह सबका प्यारा हो जाता है। प्राइड, फॉर इफ मैन गिव्स अप बीइंग प्राउड, यदि मनुष्य घमंड करना छोड़ दे
ही विल बी लव्ड बाय ऑल, तो वह सबका प्यारा हो जाएगा। लास्ट अगला क्वेश्चन यक्ष ने युधिष्ठिर से पूछा है, व्हाट इज द लॉस, वह कौन सी हानि है, विच इल्स जॉय एंड नॉट सॉरो, जो हमें आनंद देती है दुख नहीं देती। युधिष्ठिर बताओ कि वह कौन सा नुकसान है, वह कौन सी हानि है जो हमें आनंद देती है दुख नहीं देती। युधिष्ठिर ने जवाब दिया, एंगर क्रोध, क्रोध हानि। इफ वी गिव अप बीइंग एंग्री, यदि हम क्रोध करना छोड़ दें, यदि हम क्रोधित होना छोड़ दें, वी विल नो लॉन्गर बी सब्जेक्ट टू सारो, तो हम कभी भी दुख से ग्रसित नहीं होंगे। क्रोध ही दुखों की जड़ है। अगला प्रश्न यक्ष ने युधिष्ठिर से पूछा है, व्हाट इज दैट, वह क्या है, बाय गिविंग अप विच मैन बिकम रिच, वह क्या है जिसे छोड़ देने से मनुष्य वास्तव में धनी हो जाता है। युधिष्ठिर ने जवाब दिया, डिजायर इच्छा। इफ मैन गिव्स अप बीइंग ग्रीडी, अगर मनुष्य लालच करना छोड़ दे, ही विल बिकम वेल्दी, तो वह धनी हो जाएगा। अर्थात इस संसार में कोई भी धनी नहीं है, सबको धन चाहिए। यदि मनुष्य इच्छा छोड़ दे तो वह वास्तव में धनी हो जाएगा। अगला प्रश्न युधिष्ठिर ने यक्ष से पूछा है, व्हाट मेक्स वन अ रियल ब्राह्मण, वह क्या है जो वास्तव में एक व्यक्ति को ब्राह्मण बनाता है। इज इट बर्थ, क्या यह जन्म है, ब्राह्मण के यहां जन्म लेने से कोई ब्राह्मण हो गया। गुड कंडक्ट, अच्छा आचरण है, आर लर्निंग, या ज्ञान है। आंसर डिसाइसिवली, स्पष्ट रूप से उत्तर दो। यक्ष ने युधिष्ठिर से पूछा कि युधिष्ठिर बताओ, वह क्या है जो एक व्यक्ति को वास्तव में ब्राह्मण बनाता है, क्या यह जन्म है, अच्छा आचरण है, या ज्ञान है। स्पष्ट रूप से उत्तर दो। युधिष्ठिर रिप्लाइड, युधिष्ठिर ने जवाब दिया, बर्थ एंड लर्निंग डोंट मेक वन अ ब्राह्मण, जन्म और ज्ञान मनुष्य को ब्राह्मण नहीं बनाता। गुड कंडक्ट एलोन डज, केवल अच्छा आचरण ही एक मनुष्य को ब्राह्मण बनाता है। हाउ एवर लर्नेड अ पर्सन मे बी, इसके अलावा एक बुद्धिमान व्यक्ति भी हो सकता है, ही विल नॉट बी अ ब्राह्मण, लेकिन वह ब्राह्मण नहीं होगा। विदाउट गिविंग अप बैड हैबिट्स, बिना बुरी आदतों को छोड़े कोई व्यक्ति ब्राह्मण नहीं हो सकता। इवन दो भले ही मे बी लर्निंग इन फोर वेदाज, भले ही वह चारों वेदों का ज्ञाता हो, भले ही वह ऋग्वेद सामवेद यजुर्वेद अथर्वेद का ज्ञाता हो, अ मैन ऑफ बैड कंडक्ट फॉल्स टू अ लोअर क्लास, एक बुरे आदत का मनुष्य नीच जाति का होता है, निम्न जाति का होता है। यक्ष आस्क द लास्ट क्वेश्चन टू युधिष्ठिर। यक्ष ने युधिष्ठिर से अंतिम प्रश्न पूछा, युधिष्ठिर बताओ, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वंडर इन द वर्ल्ड, इस संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है। यक्ष ने युधिष्ठिर से पूछा, युधिष्ठिर बताओ, इस संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है। युधिष्ठिर ने जवाब दिया, एवरी डे, प्रत्येक दिन, मेन सी क्रीचर्स डिपार्ट टू यामाज किंगडम, प्रत्येक दिन मनुष्य यमराज की दुनिया में लोगों को जाते हुए देखता है, प्रत्येक दिन मनुष्य लोगों को मरते हुए देखता है। एंड एट दोज हु रिमेन्स वांट टू लिव फॉरएवर, फिर भी जो शेष बच जाते हैं वह सदैव यहां रहना चाहते हैं। दिस ट्रूली इज द ग्रेटेस्ट वंडर, और वास्तव में यही सबसे बड़ा आश्चर्य है, यही संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य है कि सब मरने आए हैं लेकिन कोई मरना नहीं चाहता।
Thus, इस प्रकार द यक्ष पुट मेनी क्वेश्चंस, इस प्रकार यक्ष ने कई प्रश्न पूछे। एंड युधिष्ठिर आंसर दे माल, और युधिष्ठिर ने उन सबका जवाब दे दिया। इन द एंड द यक्ष आस्क्ड, अंत में अब यक्ष ने युधिष्ठिर से पूछा, ओ किंग, हे राजा, वन ऑफ योर डेड ब्रदर्स कैन नाउ बी रिलीव्ड, तुम्हारे मरे हुए भाइयों में से केवल एक ही जीवित हो सकता है, हु डू यू वॉन्ट टू कम बैक टू लाइफ, तुम किसको पुनः वापस जीवन देना चाहते हो। यक्ष ने युधिष्ठिर से पूछा कि हे राजा, तुम्हारे भाइयों में से केवल एक जीवित हो सकता है, बताओ तुम किसको जीवन देना चाहते हो। अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव में से तुम किसको जीवित करना चाहते हो। द राइटर डिस्क्राइब्स ब्रदर्स, लेखक आगे लिखता है, इट टुक युधिष्ठिर अ मोमेंट टू थिंक, यह सोचने में युधिष्ठिर को एक पल का समय लगा। एंड देन ही विश्ड, और तब उन्होंने अपनी इच्छा जाहिर की, दैट की द क्लाउड कंप्लेंस्ड, मेघ वर्ण वाला, बादल जैसे रंग वाला, लोटस आइड, कमल नयन वाला, कमल जैसी आंखों वाला, बोर्ड चेस्टेड, चौड़ी छाती वाला, एंड लॉन्ग आर्म नकुल, और लंबी भुजाओं वाला नकुल, लाइम लाइक ऑफ हालेन, एबोनी ट्री माइट राइज। युधिष्ठिर ने अपनी इच्छा जाहिर की कि बादल जैसे रंग वाला, कमल नयन वाला, चौड़ी छाती वाला और लंबे भुजाओं वाला नकुल, जो एक आबनूस के वृक्ष की तरह मरा पड़ा हुआ है, जिंदा हो जाए, उठ जाए। द राइटर फर्दर अप्रिशिएटेड, द यक्ष वाज प्लीज्ड एट दिस, यक्ष इस पर खुश हुआ। एंड आस्क युधिष्ठिर, और युधिष्ठिर से पूछा, व्हाई डिड यू चूज नकुल इन प्रेफरेंस प्रेफरेंस टू भीमा, तुमने भीम की अपेक्षा नकुल को क्यों चुना। यक्ष ने युधिष्ठिर से पूछा कि युधिष्ठिर बताओ, तुमने भीम की अपेक्षा नकुल को क्यों चुना। Who had the strength of 16,000 elephants, जिसके पास 16,000 हाथियों का बल था, बल है, जिस भीम के पास 16,000 हाथियों का बल है, उस भीम की अपेक्षा तुमने नकुल को क्यों चुना, मुझे बताओ। I have heard that Bhima is most dear to you, मैंने सुना है कि भीम तुम्हें बहुत प्रिय है। And why not Arjun, और तुमने अर्जुन को क्यों नहीं चुना। Whose strength in arms is your protection, जिसके शस्त्र तुम्हारी सुरक्षा है, जिसके शस्त्र तुम्हारी सुरक्षा करते हैं। Tell me, मुझे बताओ, why you choose Nakul rather than either of these two, तुमने इन दोनों की अपेक्षा, तुमने अर्जुन और भीम को छोड़कर नकुल को क्यों चुना, मुझे बताओ, मुझे यह समझ में नहीं आ रहा है। द राइटर डिस्क्राइब्स युधिष्ठिर रिप्लाइड, युधिष्ठिर ने जवाब दिया, ओ यक्ष, हे यक्ष, धर्म इज द ओनली शील्ड ऑफ मैन एंड नॉट भीमा अर्जुन, धर्म ही मनुष्य की रक्षा करता है, भीम और अर्जुन नहीं। इफ धर्म इज गिवेन अप, यदि धर्म को छोड़ दिया जाए, मैन विल बी रूइंड, तो मनुष्य का नाश हो जाएगा। कुंती एंड माद्री वर द टू वाइफ्स ऑफ माय फादर, कुंती और माद्री मेरे पिता की दो पत्नियां थीं। आई एम अलाइव अ सन ऑफ कुंती, कुंती का एक पुत्र मैं जीवित हूं। एंड ऑल सो सी इज नॉट कंप्लीटली बिरीव्ड,
और इसलिए वह पूरी तरह से शोकाकुल नहीं है। इन ऑर्डर दैट जिससे कि द स्केल ऑफ जस्टिस में भी इवेन न्याय के पलड़े बराबर रहे, कोई यह न कह सके कि युधिष्ठिर ने अपने सगे भाई को जीवित कर दिया। न्याय का पलड़ा बराबर है। आई आस्क, मैं कहता हूं दैट माद्री सन नकुल में रिवाइव, कि माद्री का पुत्र नकुल जीवित हो जाए, उसे पुनः जीवन मिल जाए। द यक्ष वाज मोस्ट प्लीज्ड विथ युधिष्ठिर इम्पार्शियलिटी, यक्ष युधिष्ठिर की निष्पक्षता से बहुत अधिक खुश हुआ। एंड ग्रांटेड दैट ऑल हिज ब्रदर्स वुड कम बैक टू लाइफ, और उसके सभी भाइयों को पुनः जीवन देने के लिए वह मान गया। उसने उनके चारों भाइयों अर्जुन भीम नकुल सहदेव चारों भाइयों को पुनः जीवन दे दिया। एट लास्ट द राइटर्स चक्रवर्ती राज गोपालाचारी डिस्क्राइब्स इन द लास्ट पैसेज, लास्ट पैसेज में लेखक चक्रवर्ती राज गोपालाचारी जी लिखते हैं, इट वाज यामा द लॉर्ड ऑफ डेथ, यह मृत्यु के देवता यमराज थे, हु हैड टेकन द फॉर्म ऑफ द यक्ष, जो यक्ष का रूप धारण किए थे, सो दैट ताकि ही माइट सी युधिष्ठिर एंड टेस्ट हिम, ताकि वह युधिष्ठिर को देख सकें, युधिष्ठिर से मिल सकें, उनकी परीक्षा ले सकें। ही इम्प्रेस्ड युधिष्ठिर, उन्होंने युधिष्ठिर को गले लगाया एंड ब्लेस्ड हिम, और उन्हें आशीर्वाद दिया। देन ही डिसअपीयर्ड, और तब वह गायब हो गया। माय डियर स्टूडेंट्स, इस टॉपिक को आप पढ़ें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दैट्स ऑल।